आपको बता दें कि LG ने इस साल के अपने पहले फ्लैगशिप डिवाइस से पर्दा उठा दिया है। जी हाँ, और अब तक स्मार्टफोन को लेकर कई सारी जानकारियां सामने आई थी, पर वहीं अब कंपनी ने ऑफिशियली तौर पर LG G7 ThinQ को पेश कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने इसके दूसरे वेरिएंट को LG G7 Plus ThinQ के नाम से पेश किया है। बता दें कि LG ने फिलहाल फ़ोन कीमत और उपलब्धता को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। कंपनी का ये कहना है कि G7 ThinQ आने वाले कुछ दिनों में साउथ कोरिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के मार्केट में उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने यह भी खुलासा किया है कि कीमतें उपलब्धता के समय घोषित की जाएंगी, यानी अनाउंस की जाएंगी। इस डिवाइस को ग्राहक प्लेटिनम ग्रे, न्यू ऑरा ब्लैक, न्यू मोरक्कन ब्लू और रेस्पबेरी रोज कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। LG G7 ThinQ को स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो LG ने इस डिवाइस को दो स्टोरेज और रैम वेरिएंट में पेश किया है। G7 ThinQ स्मार्टफोन 64GB स्टोरेज और 4GB LPDDR4 रैम के साथ आता है। वहीं दूसरा वेरिएंट G7 Plus ThinQ 128GB स्टोरेज और 6GB रैम के साथ आता है। इसके अलावा दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल फोटोग्राफी के लिए LG G7 ThinQ में ड्यूअल कैमरा सेटअप बैक में मौजूद है। सेटअप की बात करें तो इसमें 16 मेगापिक्सल सुपर वाइड एंगल लेंस अपर्चर और 16 मेगापिक्सल का स्टैंडर्ड लेंस अपर्चर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ़ोन में 8 मेगापिक्सल वाइट एंगल लेंस फ्रंट पर मौजूद है। पावर बैकअप के लिए फ़ोन में 3000 mAh की बैटरी, क्विक चार्ज 3.0 और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। इसके लिए सिक्योरिटी के लिए फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक सपोर्ट दे रखा है। साथ ही गूगल असिस्टेंट के लिए अलग से एक हार्डवेयर बटन भी दिया है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।